नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं साप्ताहिक राशिफल। ये वीडियो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए है, जिसमें हम चर्चा करेंगे करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों पर। मेरा यह पूर्णमान रविवार 18 मार्च 2018 से लेकर शनिवार 24 मार्च 2018 तक के लिए रहेगा। अन्य राशियों की जानकारी के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल पार्ट वन आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मरण करवा दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं तुला राशि से। इस दौरान आपको कुछ प्रशासनिक कामों को पूरा करने का दबाव रहेगा। सगे भाई बहनों के साथ अच्छी प्रगति रहेगी। जिन जातकों का कार्य क्षेत्र कला जगत, एक्टिंग, डिजाइनिंग, फैशन, आर्किटेक्चर, कॉस्मेटिक, स्पा, होटल आदि से जुड़ा हुआ है, वे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन दिनों शेयर बाजार में सोच समझकर और सावधानी से किया गया निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह कड़ी मेहनत का समय है। जितनी मेहनत करेंगे फल उतना ही मीठा होगा। शादीशुदा जिंदगी में प्यार आदि को लेकर कुछ परेशान सी स्थिति रहेगी, इसलिए पहले घर का माहौल अच्छा करें और फिर प्यार मोहब्बत की बातें करें। हाँ, अगर अभी आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने लवर के साथ कहीं दूर सैर सपाटे के लिए निकल सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। इस सप्ताह परिवार के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुएं जुटाने में आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों व भाई बहनों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक बेहतर होंगे। संतान की शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी, जिससे उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं। वह जातक जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं यानी कि इम्यूनिटी लेवल कम है या फिर एक डिसिप्लिन डेली रूटीन के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। वृश्चिक, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ होगी, मगर बाद में आप आपके अनुभव को काम में लाकर कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। यह समय अच्छा है और अगर इस समय कोई भी शुभ काम की शुरुआत आप करते हैं तो यह समय आपके लिए सफलता की नींव ही रखेगा। आशा है कि आप अपने अच्छे कॉन्टेक्ट की वजह से रुके हुए सरकारी कामों को पूर्ण कर लेंगे। ऑफिस में अधिकारी आपकी कार्यशैली और परिश्रम से खुश रहेंगे। यदि आप सर्विसेज बिजनेस में हैं तो अच्छा लाभ रहेगा। और भी अच्छा होगा अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, जैसे कि कोचिंग या ट्यूशन इत्यादि। शिक्षा के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा और याद रहेगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बहार आने की उम्मीद है। जीवन साथी के सहयोग से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। परिवार के साथ आनंददायक समय रहेगा। वीकेंड का समय मित्रों के साथ व्यतीत होगा। बच्चों की तरफ से कोई खुशी का समाचार रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह समय सामान्य रहेगा। धनु, ऐसे जातक जो व्यापार या काम धंधे की वजह से घर से दूर रहते हैं, उनकी घर जाने की योजना बनेगी, जिससे वे अपनों से मिल पाएंगे। उद्योग धंधों के मामले में आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको भौतिक सुखों में वृद्धि तो मिलेगी, परंतु संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी, किंतु जमीन के मामलों में कोर्ट में आशाजनक परिणाम आने में अभी देर लगेगी। अध्ययन के क्षेत्रों खास करके स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पास अच्छी प्रगति के अवसर रहेंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो आपके लवर आपके व्यवहार से बहुत खुश रहेंगे। इन दिनों
आप कुछ ऐसा करने के लिए तत्पर होंगे जिससे समाज में आपका सिर ऊंचा रहे। इस सप्ताह आप कुछ जरूरी कामों को पूरा करने के लिए इधर उधर की भागदौड़ में लगे हुए रहेंगे, जिससे आपकी सेहत में कुछ थकान व बुखार जैसी स्थिति उभर सकती है। मकर, सार्वजनिक जीवन और कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, फिर भी आप मौज मस्ती और आराम में समय नहीं बिताएंगे। इसके बिल्कुल विपरीत, आप क्षमता से अधिक काम करेंगे। आप भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, परिवार और व्यवसाय को लेकर मन में चिंता रहेगी। आप सामने आए हुए अवसर का पूरा लाभ उठा सकेंगे। नौकरी या व्यापार को लेकर इस सप्ताह की गई यात्रा लाभकारी रहेगी। कामकाज में सफलता प्राप्त होगी, शुभ समाचार प्राप्त होगा और शुभ कार्य पूर्ण होगा। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अपनी थकावट और टेंशन को दूर करने के लिए कुछ समय के लिए हॉबी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा करने से लाभ ही होगा। इस सप्ताह आपके लिए ग्रह शुभ व सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जिससे आप खुश रहेंगे। आप अपने घर गृहस्थी को संभालने में व्यस्त रहेंगे, पत्नी व बच्चों के सहयोग से खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी टकराव रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने का प्रोग्राम रहेगा। ऐसा होने से घर में वातावरण आनंद और उल्लास से परिपूर्ण रहेगा। इस समय ग्रहों का गोचर आपको स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधानी रखने की सलाह दे रहा है। कुंभ, आपके लिए यह एक अच्छा सप्ताह होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं कैसे। नौकरी पेशा या व्यापारी, दोनों ही के लिए ग्रह शुभ व सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। व्यापारियों को सप्ताह के अंतिम दो दिनों में अच्छी आमदनी में रहेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं, परंतु पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। कहीं ना कहीं कोई लाभ, पुरस्कार या सम्मान अवश्य मिलेगा। जीवन साथी से भरपूर प्रेम व सहयोग की आशा आप कर सकते हैं। चाहे आप विवाहित हैं या रिलेशनशिप में, आप दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन परवान चढ़ेगा। जो अभी सिंगल हैं, उनके नए मित्र बनाने के योग बने हुए हैं। प्रेमी के लिए पर्याप्त समय निकालने में आप सफल रहेंगे। घरेलू जीवन के लिए यह महीना उमंग भरा हो सकता है। हो सकता है कि आप एक मकान बेचकर दूसरे मकान में चले जाएं या कोई संपत्ति बेचकर मुनाफा कमा लें, क्योंकि जमीन से आमदनी के योग बने हुए हैं। यदि आप कड़ी मेहनत के साथ साथ आराम को भी महत्व देते हैं तो अच्छा ही होगा। फिक्र ना करें, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा या नुकसान नहीं होगा। मीन, कुछ काम लंबे अरसे से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे लटके हुए काम पूरा होते दिख रहे हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इस समय दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें। अगर कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो किसी प्रोफेशनल की राय लेने में जरा भी देर ना करें, क्योंकि हो सकता है आप स्वयं किसी गलत निर्णय को लेकर नुकसान उठा लें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्र पढ़ाई में कुछ दिक्कत महसूस करेंगे। हो सकता है कि भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं हो या किसी सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन हो। पति पत्नी के बीच में अच्छा तालमेल होने की आशा है। आप एक दूसरे को खूब अच्छे से समझेंगे और सम्मान पाएंगे। रिश्ते में एक बार फिर से ताजगी महसूस होगी। सामाजिक क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। धन लाभ का योग है। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। ऐसे जातक जो खान पान पर जरूरी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें सेहत से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आपकी राशि के अनुसार मेरा पूर्णमान इस सप्ताह के लिए। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको सिर्फ हमें फोन करना होगा
और ज्योतिषी सलाह के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि यह एक पेड कंसल्टेशन होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। हमारे आने वाले अन्य वीडियोस की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। यह सप्ताह आपके लिए मंगलमय खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।